नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी। स्वागत है आप सभी का HP अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 68,500 शिक्षक भर्ती, जो कि आपकी 69,000 हो चुकी है, 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो चुके हैं, कल जो 6 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरना। तो आज हम इसके लिए जो क्या खबर जो आई है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज कितनी बड़ी खबर आई है इसकी, ठीक है। तो आज है 7 दिसंबर 2018। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि मैं कोई भी खबर आती है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, सबसे पहले अपने इस चैनल पर लेकर आता हूं। तो आपसे एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि कोई भी सबसे पहले अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करा सकूं, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर यह खबर आई है, शिक्षक भर्ती में लागू हो न्यूनतम कट ऑफ अकेडमिक मेरिट हटे। जो ये शिक्षक भर्ती होने जा रही है, ये इसमें अकेडमिक मेरिट अब लगा दी गई है, ठीक है। पहले जो कट ऑफ थी आप जानते हैं 40-45। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी खबर है, इसको पढ़ के बता देता हूँ। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा होने के दूसरे दिन लगातार प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने सहायक अध्यापक भर्ती से अकेडमिक मेरिट हटाने एवं लिखित परीक्षा में अर्हता का न्यूनतम कट ऑफ रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगियों की मांग है कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, और उधर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज कराया है, जिसमें अनिल सिंह व बिक्की खान और समेत 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि वह अपनी मांग को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखी जाएगी और के उनकी मुख्यमंत्री से बात कराई जाए। BTC प्रशिक्षकों ने भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से BTC 2014-2015 चौथे सेमेस्टर का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है, और प्रशिक्षकों का कहना है कि परिणाम की घोषणा होने के साथ उन्हें शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका दिया जाए। और प्रदर्शन में अनिल सिंह ये सारे जो हैं अभ्यर्थी हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी खबर जो कि आप मैंने अपडेट, दूसरी सेकंड जो है ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले ही दिन 1632 आवेदन हो चुके हैं। यहाँ पर 69,000 अध्यापकवर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के लिए घोषित 69,000 सहायक अध्यापकवर्ती के लिए बृहस्पतिवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, और पहले दिन शाम 7 बजे तक 3219 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, और इनमें से 1632 का शुल्क जमा होने के साथ आवेदन पूरा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, सहायक अध्यापकवर्ती मान्य योग्यता है दोस्तों। सचिव परीक्षा नियामक की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि NCTE से मान्यता प्राप्त प्रदेश सरकार से संबद्धता प्राप्त संस्थान से DLED BTC शिक्षा मित्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित एवं स्नातक शिक्षा मित्र का 2 वर्षीय BTC पास होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से DED भारतीय पुनर्वास पर्षद NCR से मान्यता प्राप्त संस्थान से DED विशेष शिक्षा NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय विशिष्ट BTC प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय BTC उर्दू, ये सारी बातें दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी खबर जो कि आज आई है। तो अगर और कोई भी खबर आएगी तो हम फिर कल वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और ये थी खबर जो कि मैंने आपको अपडेट कराई है। तो आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।